बेगूसराय पुलिस की बड़ी कार्रवाई में शराब तस्कर कृष्णा उर्फ धन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधी के पास से 7 लाख रुपए नगद, 1 किलो गांजा और 1 मोबाइल भी जब्त किए गए। धन्ना पर पूर्व से ही कई मामले दर्ज। पुलिस को लंबे समय से धन्ना की तलाश थी। धन्ना बेगूसराय जिले के गढ़हारा थाना इलाके के रहने वाला है। छापेमारी के पहले गुप्त सूचना पर एसपी के निर्देश पर एएसपी मनोज तिवारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और धन्ना के ससुराल मरांची गांव में घेर लिया गया, जहां उसकी गिरफ्तारी हो गई। वहीं पुलिस को दूसरी उपलब्धि नगर थाना इलाके में मिली, जहां टिंकू कुमार एवं सौरभ कुमार नामक अपराधियों को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर गिरिराज कुमार और गोलू कुमार नामक अपराधी को भी एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। इनके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी जब्त की गई। कुमार गन्ना, उसकी तलाश हम लोगों की थी। कल एक सूचना प्राप्त हुई इसके ठिकाने के बारे में और उस पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर और एएसपी ऑपरेशन इनके नेतृत्व में कुछ थानाध्यक्षों की टीम गठित की गई और इन लोगों ने छापामारी करके इस शराब कारोबारी कृष्णा कुमार उर्फ गन्ना, जो मधुरापुर तेगरा कराने वाला, इसकी गिरफ्तारी की गई और तलाशी के क्रम में इसके पास से 7 लाख रुपए नगद कैश, 1 मोबाइल और 1 किलो। थाना क्षेत्र में कुछ मोटरसाइकिल चोरी और चिंताएं की घटनाएं प्रकाश में आई। चोरी की मोटरसाइकिल अपाची बरामद की और 2 अभियुक्त पकड़े गए, टिंकू और सौरभ। उनसे पूछताछ करने के बाद उन लोगों ने अपने 2 अन्य साथियों के नाम बताए, जिन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 अन्य अपराधी गोलू और गिरिराज को गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से कुल 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस, 1 चोरी की मोटरसाइकिल और 1 अन्य पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसके बारे में उसका सत्यापन किया जा रहा है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में टिंकू और गिरिराज के विरुद्ध इस जिले में पूर्व से केसेस दर्ज हैं। सौरभ और गोलू के का भी आपराधिक इतिहास होने की बात आ रही है सामने, जो अन्य जिलों में भी हैं और संभवतः हो सकता है दूसरे राज्य झारखंड में भी गोलू का अपराध।